यहाँ जो मछलियाँ हेलो गाइस, आप सबको पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दुआ करते हैं आप सब अच्छे रहें, सलामत रहें, जहाँ रहें सब अच्छे रहें। आज हम निकल रहे हैं आपका ब्लॉगिंग के लिए, तो देखते हैं आसपास से कुछ नए ब्लॉग बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, कैसा बनता है आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे बना है नहीं बना है। और बने रहिए हमारे चैनल पे आप लोग, मिलते हैं पंडाल में। तो गाइस अपने निकले हैं आज नागतला के लिए, तो नागतला पहुंच के आपको हम दिखाते हैं कैसा है नहीं है। हम हमारे दोस्त लोग हैं साथ में बैठे हुए, गाड़ी का टंकी फुल कराया है, तो आज रात भर घूमेंगे अपने। तो अभी हम हैं मास्टर सूर्योसुर मेट्रो के पास, किसी दोस्त का वेट कर रहे हैं, तो जैसे आते हैं हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं, निकल के आपको आगे दिखाते हैं। गाइस हम लोग आ गए हैं उदय संघों क्लब में आ गए हैं, देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ आज नहीं है, जैसे कि आज पंचमी है ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है, यही आपका कल से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आ गए पंडाल के अंदर, काफ़ी चलने के बाद पंडाल में आए हैं। लाइन लगभग नहीं, ना के बराबर लाइन था, और आप देख सकते हैं ये है जिला, ये राजधानी एरिया में आता है, देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए बनाया गया है। यहाँ का थीम है सिलाई मशीन, पहले के जैसे सिलाई मशीन से काम होता था, कपड़ों की सिलाई जैसे खादी का काम होता था वो खादी पे किया गया है। एंटी कैची कपड़े पे कपड़ा और सिलाई मशीन, पहले का लोग कैसे काम किया गया आप ये देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी कारीगरी की हुई है, पहले की स्टार्टिंग का सिलाई मशीन जैसे हुआ करता था, थीम है यहाँ का कपड़ा खादी कपड़ा। और भीड़ भी ऐसी है, बने रहिए आज हम आज रात भर निकले हुए हैं, दिखाते हैं आप लोग को पूरी रात। चलिए ठीक है, आगे मिलते हैं और किसी दूसरे पंडाल में। गाइस यहाँ मेला भी लगा हुआ, आप लोग आ सकते हैं, आके विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, खासकर बच्चे और लेडीज़ के लिए यहाँ पे अच्छा है, सभी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं।
ये रहा पानी पूरी स्टॉल, लाइन से पानी पूरी मिलेगा। गाइस पान का स्टॉल भी लगा है, चंपा पान सेंटर, कॉफी स्टॉल और भी बहुत कुछ है। भेलपुरी स्टॉल ये है बेंगोली पंखा, हाथेर पाखा बेंगोली पाखा। हाँ भोलेनाथ स्वागत कर रहे हैं हम सबका। छोटा नहीं बनाया, बहुत गजब का बना हुआ, छोटा नहीं अच्छा बना। हैंडवर्क से पूरा काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। কেমন তুলে দেবা ওইটা ক্যামেরা দিয়ে দেখিস না তুই আবার ওইটা তুলে দেখিস ক্যামেরা দিয়ে দেখিস। बहुत ही सुंदर कलाकृति से सजाया हुआ है, देख सकते हैं छोटे में पंडाल बनाया, बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे कणों को वो जुड़ के बनाया गया है। इधर ले भाई, कम से कम तीनों का। हाँ इधर आ जाए, यहाँ घूमते घुमाते हम पहुँच गए हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत 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 सुंदर है मैदान में बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। समुंदर में एक व्हेल मछली का ही बनाया हुआ है। और हाँ यहाँ जो मछलियाँ समुद्र किनारे का ये बनाया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं कैसे बना हुआ है। हमारी प्रकृति धीरे धीरे कैसे खत्म हो रही है आपको यहाँ पे बताया गया है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं।
देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पॉलीथीन प्लास्टिक का यूज़ ना करें, जैसे कि हम देख सकते हैं प्लास्टिक के यूज़ से यहाँ पे जलीय जीवन कैसे ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ इसके ज़रिए बताया जा रहा है कि हमारे प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है एक नॉर्मल प्लास्टिक का, मतलब जैसे हम लोग यूज करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लास्टिक का यूज़ ना करें। और इससे हाथ हम अंदर आ गए हैं, हेलो हमें मंडपर ভিতরে তোমরা বেরিয়ে এসছো? আচ্ছা ঠিক আছে, গিটারটা দাঁড়াও, আমি বলতে গিটি বের হচ্ছে। বহুত হি সুন্দর बहुत 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 ही अद्भुत, अपने आप में काफ़ी अद्भुत बना हुआ है, अपने आप में काफ़ी अद्भुत बना हुआ है। বল দেখো কুড়িয়ে যাবে, এই এই তো गाइस हम आ गए सिंगी पार्क, ये पड़ता है आपका गुड़िया साइड में, गुड़िया हट साइड में। यहाँ भी लोग काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। इधर वाला पूजा इधर में, पहले इधर देखेंगे फिर इधर देखेंगे, ये वाला पूजा देखना भीड़ देखना। ये है सिंगी पार्क का एंट्रेंस गेट, अपने आप में काफ़ी अच्छा बना है, फुल्ली लाइटिंग। अंदर से अंदर काफी लोग यहाँ आ रहे हैं। बन रही है, आप लोग को दिखाते हैं।
अच्छा हाल है सही में। बहुत ही सुंदर अद्भुत। खादी पे बना हुआ खादी खादी और एक पंडाल जो कि कुत्ता का खादी पे बना हुआ है। गांधी जी का चरखा आप लोग को दिख रहा होगा। ये पंडाल शहीदों के नाम। Thank you.
यहाँ पे अपने कला भी खरीदते हैं। यहाँ आप ये पंडाल अपना नाम से नहीं अपनी मूर्ति से पहचाना जाता है। यहाँ की जो मूर्तियाँ आती हैं बहुत ही सुंदर। तो हम यहाँ का मूर्ति दिखाते हैं। ये है अब तक की सबसे सुंदर मूर्ति। हमने भाई